हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। 15,000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पर पूरे हो चुके हैं। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और प्यार दिखाते रहिए। तो आज का वीडियो जो है वो है करियर या स्कोप ऑप्शन से रिलेटेड, कि COVID-19 के बाद माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वायरोलॉजी या फिर फार्मास्यूटिकल के फील्ड में क्या क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, क्या ये अपॉर्चुनिटीज का जो इनका दायरा है वो बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, COVID-19 के बाद क्या क्या चीजें होने वाली हैं इन्हीं फील्ड में। तो ये वीडियो आज का इसी के बारे में है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं लाइफ साइंसेज बेस्ड, चाहे वो बायोमेडिकल बेस्ड कंपनीज हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, फार्मास्यूटिकल बेस्ड कंपनीज हैं, वो अभी क्या कर रही हैं, वो अभी क्या कर रही हैं, इससे हमें पता चलेगा कि आगे जाकर ये करियर और जो अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे इस फील्ड में वो बढ़ेंगी या घटेंगी। तो देखिए, मैंने कुछ कंपनीज के नेम ढूंढकर निकाले हैं, मैंने जो डेटा इकट्ठा किया है। लिस्ट तो बहुत लंबी है, 5 कंपनीज के नाम मैं आपको बताऊंगा कि वो अभी क्या कर रही हैं। सारे की सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, पूरे बहुत बड़ा बेस है कंपनीज का, बहुत बड़े बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पर आती है वो है हमारे पास में इली लिली। तो इली लिली एक अमेरिकन बेस्ड बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके बाद में और भी कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि जिलेट साइंसेज है, रॉश है, और उसके बाद में CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये अमेरिकन हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर एक इंस्टीट्यूट है। उसके बाद एमजेन, जो कि एक इंडिपेंडेंट बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट MNCs इन द वर्ल्ड। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने COVID-19 के ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, और ये रिसर्च प्रोजेक्ट कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े लेवल के रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें की ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट या ड्रग कमर्शलाइजेशन जैसे सभी काम ये कंपनीज करती हैं। तो इनसे क्या होगा, देखिए अभी क्वारंटीन में अभी तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली एकदम। COVID-19 धीरे धीरे जैसे खत्म होगा उसके बाद में ये जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। ये जो कंपनीज हैं इन प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड करेंगी। ये तो कुछ बड़ी कंपनीज के नाम थे, और भी बहुत लंबी लिस्ट है। सभी कंपनीज ने COVID-19 के ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ये प्राइवेट कंपनीज की बात हो गई। हर एक कंट्री में गवर्नमेंट ने कुछ अपने निजी प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर बड़े मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी में COVID-19 से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। अब हम बात करते हैं आगे इंडियन, अपने इंडियन प्राइवेट कंपनीज के बारे में। देखिए इंडिया में अभी गवर्नमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हमको आगे मिलने वाली है। तो इंडिया में जब हम प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं तो वहां पर भी मैंने आपको 5 कंपनीज के नाम बता रहा हूं जिन्होंने COVID-19 के लिए ड्रग डेवलपमेंट या वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सबसे पहले है जाइडस कैडिला, ये वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है, इंडियन कंपनी है, इंडियन बेस्ड है, फार्मास्यूटिकल बेस्ड कंपनी है। COVID-19 के वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है इस कंपनी ने। ये भी प्रोजेक्ट आगे जाके एक्सपेंड होंगे और फार्मास्यूटिकल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। उसके बाद में है मिनमैक्स, एंड फिर भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट एंड बायोलॉजिकल ई, ये कुछ इंडियन कंपनीज हैं जो COVID-19 के ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट चला रही हैं। ये टॉप कंपनीज हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है क्योंकि जितनी भी लाइफ साइंसेज बेस्ड कंपनीज हैं अपना सारा काम छोड़ के वो COVID-19 के पीछे लग गए हैं। जैसे ही यहां से कोई ड्रग नया डेवलप होता है या किसी नए वैक्सीन की डेवलपमेंट होती है COVID-19 के अगेंस्ट, तो वैसे ही सारा स्कोप, सबका फोकस जो है वहीं पर आ जाएगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, 5 रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किए हैं अभी जो मैंने ढूंढ कर निकाले हैं जिनके नेम, 5 रिसर्च प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए 25 लाख रुपीज की पर ईयर की फंडिंग की जाएगी। एक साल में 25 लाख रुपए इन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे। तो कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कि IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, और ये है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर डिजीज सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इस तरह के जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं
हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये 5 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, 25 लाख रुपए पर ईयर की फंडिंग है। जैसे ही क्वारंटीन खत्म होगा, इस COVID-19 का प्रकोप थोड़ा कम होगा, इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड किया जाएगा। जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं या जितने बड़े बड़े रिसर्च डिपार्टमेंट हैं, सब में इनको एक्सपेंड किया जाएगा। अब यहाँ से जो बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, इस तरह के जो कैंडिडेट इन फील्ड से रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए रिसर्च में बहुत ज्यादा ऑप्शंस होने वाले हैं, जूनियर रिसर्च फेलोज के लिए, सीनियर रिसर्च फेलोज के लिए, क्योंकि COVID-19 लेटेस्ट है, एक टॉपिक है, मतलब बहुत ज्यादा रिसर्च करने के लिए कुछ खासा इसके बारे में मालूम नहीं है हम लोगों को। 1918 स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक के बाद में, लगभग 100 साल बाद, ये एक ऐसी पैंडेमिक है जिसने सब कुछ झंझोड़ कर रख दिया। तो ऑब्वियसली हर एक कंट्री की गवर्नमेंट इसके ऊपर अवेयरनेस प्रोजेक्ट चला सकती है, रिसर्च प्रोजेक्ट तो बिल्कुल शुरू किए जाएंगे। तो जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। लेकिन यहाँ से अगर कोई नया ड्रग डेवलपमेंट होता है, कोई वैक्सीन डेवलपमेंट होता है, तो जो फार्मास्यूटिकल बेस्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वहां पर ड्रग डेवलपमेंट में, या फिर बायोमेडिकल बेस्ड जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। तो इन सब चीजों को आपको कुछ जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के या फिर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स हैं, आपको उनके जो ट्विटर हैंडल हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनके फेसबुक हैंडल को फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको वहां से लेटेस्ट जो न्यूज है वो मिलती रहे। बाकी मैं तो हूँ ही, अगर नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद में अभी बात करते हैं हम कि जब आपसे कोई पूछेगा कि आप जिस फील्ड में हैं उसका स्कोप क्या है, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं, माइक्रोबायोलॉजी से हैं, वायरोलॉजी से हैं या फार्मास्यूटिकल से हैं, जब भी आपसे कोई पूछे कि आपके फील्ड का स्कोप क्या है, सिंपल एक जवाब देना है कि एक सिंगल वायरस ने पूरे प्लैनेट का शट डाउन कर दिया, पूरे प्लैनेट का शटर डाउन कर दिया, सबको घरों में बंद कर दिया, और आप अभी भी पूछ रहे हैं कि हमारे फील्ड का स्कोप क्या है। इतनी लाइन काफी है बताने के लिए कि हमारे फील्ड का स्कोप क्या है, हम किस फील्ड में है, लाइफ साइंसेस का नाम आखिर क्या है। आज के लिए इतना ही काफी है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। कीप सपोर्टिंग अस फॉर अ गुड कॉज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।